में गाना है, ठीक है? चलो शुरू करो। मुझे किसने मारा? हे डोरेमोन, चुप हो जाओ। अब ज्यादा शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? जियान तो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज जियान का मूड इतना खराब क्यों था? ये लो, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे वाह, ये सब तो यहाँ खेल रहे हैं। हे लो बेटा, सुनो जरा, क्या मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ डोरेमोन। चलो अब हम दो टीम्स बनाकर आपस में मैच खेलते हैं नोबिता। हाँ ठीक है, सुनियो। रुक जाओ। हाँ? तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? हाँ? शोर मचाने की बजाय तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए, समझते ही नहीं है? इसे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। हाँ? मुझे तो हाँ? लगता है इसकी तबीयत खराब है, है ना नोबिता? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इतने शोर में कोई काम कैसे कर सकता है? सुनो जेको, देखा शोर बंद हो गया, क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं भैया। क्या भैया? मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, मुझमें टैलेंट नहीं है, मैं हार मानती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो तुम एक जीनियस हो, ये सच है जेको, और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस्ट बनोगी। नहीं, डेडलाइन नजदीक है और मैंने एक भी पेज ड्रॉ नहीं किया है, ये अच्छी बात नहीं है, अब मैं क्या करूँगी भैया? तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी मत घबराना जेको। ये क्या करेंगे? मैं जाकर मोटियो से मिलता हूँ जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूँगा डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रुक जाइए भैया, देखिए भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेको, हम सब ने मिलकर डेडलाइन डिसाइड की थी, अब मैं शिकायत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जेको? बस मुझसे बात मत कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ गया। क्या बात है? क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें डांटेगा। घबराओ मत, जियान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा। ए नोबिता। हाँ? सुनो जियान, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। हाँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो जियान। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो जेको कॉमिक क्लब बुक में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। ये कौन सा क्लब है? कॉमिक बुक्स के फैंस मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रिएट कर रहे हैं नोबिता। क्यों, है ना? हाँ, सबको इंतजार है कि इस बार जेको क्या करेगी। उसकी कॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्यों, है ना? हाँ। लेकिन पता नहीं जेको को क्या हो गया है, उसने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। कुछ भी नहीं, अब क्या होगा? उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का आइडिया है, ये एंशिएंट इजिप्ट की एक ट्रेजिक लव स्टोरी है नोबिता। सच में? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जियान। मेन कैरेक्टर एक किंग है जिसका आखिरी नाम रामेन या आमेन है। क्या, इजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से था ना? मैं समझ गया, जरूर ये किंग तूतनखामेन होगा जियान। हाँ ये वही है, किंग तूतनखामेन। कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंशिएंट इजिप्ट जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोज खींच कर ला सकते हो?
कुछ फोटोज खींच लाएं। क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम मुझे मना कर रहे हो? रुक जाओ, ये काम बहुत मुश्किल है जियान। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को खेलने ना दो और उन पर पत्थर फेंको। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। समझ गया, दरअसल मैं जैको को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरेमोन। हाँ सही कहा। काम हो गया जियान। हाँ थैंक यू। जैको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देखो मेरे हाथ में एंशिएंट इजिप्ट की कितनी सारी फोटोज हैं। अरे जैको बात क्या है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? देखो। इस तरह शोर मत मचाइए, मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भैया, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक नया आइडिया, और वो क्या है? मैं इजिप्शियन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडिल एजेस के यूरोप के बारे में सोच रही हूँ। क्या कहा, मिडिल एजेस? तो क्या अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट की जैसी। किंग अर्थ और द राउंड नाइट, मैं समझ गया। डोरेमोन, नोबिता, ये लो मिडिल एजेस के यूरोप की फोटोज। बहुत अच्छे नोबिता। और हाँ, इन्हें नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल कहते हैं जियान। समझ गया, थैंक यू। राउंड टेबल। जैको, मुझे राउंड नाइट्स की फोटोज मिल गई हैं। अरे वो यहाँ तो नहीं है। आखिर जैको चली कहाँ गई? जैको तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है। तुमने नाइट्स ऑफ राउंड अनियन का आइडिया छोड़ दिया? तो अब तुम्हें ये फोटोज नहीं चाहिए? तो अब तुम्हें कहाँ की फोटोज चाहिए, अमेरिका या चाइना? आप जाइए यहाँ से। हा? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाइए यहाँ से। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठकर ड्रॉ कर सकूं। मैं क्या करूं? लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था। समझा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम ना हो जियान। हाँ। मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ, जैको कैसा फील कर रही होगी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं ये सोच भी लूँ कि मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, तो भी मैं बार बार उसके रूम में झांकता रहूँगा। डोरेमोन, क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगह को जानते हो जहाँ मैं जैको को परेशान ना कर सकूँ? बोलो। मैं समझ गया, ये ठीक रहेगा। इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लायक रूम बन जाएगा। इसमें बैठकर जैको अपना काम कर सकती है। रुको, क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो? पर क्यों? अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। प्लीज मान जाओ। ठीक है, चले डोरेमोन, हम अभी जाते हैं। ये हम पर छोड़ दो। तुम कितने अच्छे हो। देखो, इसका ढक्कन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता। जैको, सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है। इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ एक घंटे के बराबर होता है। तो अगर मैं अंदर 3 दिन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ 3 घंटे ही बीतेंगे। हाँ सही कहा। ये तो कमाल का रूम है। ये 4th डायमेंशनल रूम है। अपनी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। जैको, अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना। समझ गई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गया। कोई आवाज नहीं आ रही।
क्या वो ठीक है? जैको, बेस्ट ऑफ लक। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। चलकर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा। जैको, जैको। हाँ? हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है, क्या मैं उसे वापस भेज दूँ? हाँ? अरे ये तो खुला हुआ है। इसने काम पूरा कर लिया, लगता है आज ये बहुत थक गई है। तुम आराम से रेस्ट करो जैको, मैं ये जाकर मोटियो को दे दूंगा। क्या उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ जियान। अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बिग ब्रदर, ये तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता है। मुझे इस बहन के लिए बहुत दुख है, ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा। जैको ने काम कर लिया होगा? पता नहीं। देखो यहाँ तो मोटियो भी है। तुमने सही कहा। उसने काम पूरा कर लिया। हे जियान। नोबिता डोरेमोन। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये एक कमाल की स्टोरी है, जैको ने कमाल कर दिया। क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी बहन के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता है। वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। एक प्यारी छोटी बहन और किसी भी काम न आने वाला भाई। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जैको, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा जैको। मोंटेज बकेट। मैं घर आ गया। हेलो बेटा। हेलो अंकल। घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। लेकिन वो देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही सकते हो। हाँ? सोचने दो, वो देखने में कैसा लगता था? उसकी आंखें। हाँ, कैसी थी? हाँ, वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ, नाक, उसकी नाक थी। नोबिता, कई तरह की नाक होती है, छोटी बड़ी लंबी मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। हाँ? अरे तुम उठ गए नोबिता। तुमने कुछ ड्रॉ किया? दिखाओ मुझे। नहीं, तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ? मोंटेज बकेट। ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसमें चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता, उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आँखों से करते हैं। उसकी आँखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें और आँखें दिखाता हूँ नोबिता। हाँ, उसकी आँखें ऐसी ही थी। अब तुम्हें उसके जैसी नाक पहचाननी है नोबिता। ओके। ये उसकी नाक जैसी है।
अब उसका मुंह ढूंढते हैं। हाँ, उसका मुंह ऐसा ही है। अब आईब्रोज। रुको डोरेमोन, ये वाली है। अब तुम्हें उसका हेयर स्टाइल और फेस की शेप पहचाननी है। ठीक है डोरेमोन। अगर शेप गलत हुई तो चेहरा बिल्कुल अलग दिखेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना नोबिता। डोरेमोन, उसका हेयर स्टाइल यही है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को जोड़कर इनकी मदद से एक चेहरा बनाएंगे। तुम इस बकेट को अपने सिर में पहन लो नोबिता। क्या, लेकिन क्यों डोरेमोन? शांत हो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन ये क्या है डोरेमोन? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा बना रहा है। लगता है काम हो गया। ठीक है नोबिता, अब तुम बकेट हटा सकते हो। ओके। जरा देखो। हाँ डोरेमोन, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। चलो अब मॉम और डैड को भी दिखाते हैं। मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो अजीब बात है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो ऐसा ही दिखता था? वो ऐसा ही दिखता था, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं तो इससे आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ। लेकिन उसने तो मुझसे कहा था वो आपको अच्छी तरह जानता है डैड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं छोटी थी तो ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता हो। हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ? अब क्या करे डोरेमोन? अगर तुम बाहर घूमने जाओगे तो हो सकता है इस चेहरे को कोई पहचान ले नोबिता। वाओ, ये आइडिया तो अच्छा है। नोबिता। हाँ? मैंने आज पहली बार तुम्हें किसी काम को इतनी मेहनत से करते हुए देखा है, गुड लक। कोई तो इस चेहरे को पहचानेगा ही। हाँ, अरे जियान और सुनियो, हाय। हाँ, अरे आप हमें जानते हैं? इन्हें थोड़ा परेशान करता हूँ। क्या तुम दोनों किसी नोबिता को जानते हो? हाँ हम जानते हैं, लेकिन ये बताइए आप उसे कैसे जानते हैं? मैं उसका अंकल हूँ, क्या तुम वही हो जो उसे परेशान करते रहते हो? नहीं, हम उसे परेशान नहीं करते, क्यों है ना सुनियो? हम तो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। हाँ हाँ, वो हमारा अच्छा दोस्त है। झूठ मत बोलो। अगली बार तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भागो। वो दोनों डर गए। हेलो आंटी। क्या बात है, आप मुझे पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानती। आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, तुम जाकर पुलिस से पूछो। ये चेहरा काफी जाना पहचाना है। हाँ, क्या सच में? हाँ, इसे मैंने थोड़ी देर पहले ही तो देखा था। लेकिन कहाँ देखा था? मैंने शायद इसे पुलिस स्टेशन के सामने देखा था। क्या, पुलिस स्टेशन के सामने? थैंक्स अंकल। अरे रुको, बड़ा अजीब आदमी था वो। ये तो वही आदमी है, विकी द रॉबर। अरे नहीं, ये तो 23 बार अरेस्ट हो चुका है। भागता हूँ, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। डोरेमोन, बचाओ मुझे। ये कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हें इस तरह से सड़क पर नहीं घूमना चाहिए विकी। तुम्हारे नाम से तो अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है, जल्दी चलो। मुझे छोड़ दो। अरे पता नहीं ये नोबिता भी कहाँ चला गया है। हाँ, अरे नहीं, मुझे नोबिता का चेहरा पहले जैसा करना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तुम यहाँ पर छिपकर क्यों बैठे हुए हो, बाहर निकलो। मुझे जल्दी से तुम्हारा चेहरा बदलना होगा वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। क्या तुम इससे मेरा चेहरा बदल दोगे? मैंने अभी तो तुम्हारा चेहरा बदला था, तुम्हें याद नहीं है नोबिता? ये तो बहुत अच्छी चीज है। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? विकी, प्लीज तुम्हें अंदर आना ही होगा। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज विकी, जल्दी अंदर चलो, जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गए विकी। विकी अंदर जाने से मना कर रहा है। अरे अरे, ये क्या, दो दो विकी। समझ गया, तो तुमने इस गैजेट की मदद से अपने चेहरे को बदला है। जल्दी से हमें बताओ इसे कैसे यूज करते हैं। प्लीज मुझे और मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। ओके, सब कुछ सेट हो गया है। तुम्हारे बाद मैं इसे यूज करूँगा बिगी, ठीक है ना? अब जल्दी से इसे ऑन करो। ठीक है बिगी, मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ।
क्या अभी तक नहीं हुआ? जल्दी मत करो, अपने चेहरे को हैंडसम बनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। डोरेमोन तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। हाँ, मुझे लगता है हो गया है। मैं हैंडसम लग रहा हूँ इसलिए हैरान हो गए? जरा इसमें अपना चेहरा देखो, ये सब क्या हो गया? तुमने मेरे चेहरे को क्या कर दिया? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। मैं आ गया नोबिता। डोरेमोन, अब मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे लगता है उसने गलत बटन प्रेस कर दिए नोबिता। हे नोबिता, चलो खेलने चलते हैं। क्या तुम्हारे अंकल वापस चले गए? हाँ, वो चले गए हैं। तुम अपने अंकल को बताओगे ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना नोबिता? हाँ नोबिता, अब हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मुझे लगता है इनको सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। चलो अब खेलने चलते हैं। हाँ हाँ, चलो हम सॉकर खेलते हैं। गुड आइडिया।